फेक एडमिट कार्ड्स के केसेस आए थे, उस मामले में जेकेएसएसबी क्या एक्शन लेने वाली है? जो लोग तो अनफेयर मींस का इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें तो 3 साल के लिए डिबार कर दिया, लेकिन जो फेक एडमिट कार्ड्स लेकर आए थे उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, फेक एडमिट कार्ड्स हो या कोई भी अनफेयर मीन यूज करने की अटेम्प्ट हो, ये सभी अनफेयर मीन्स में ही आते हैं। या फिर किसी ने कोई डिवाइस लेने की कोशिश की या किसी और तरीके से जो है वो चीटिंग करने की कोशिश की, ऑल दीज यू नो कम अंडर द ब्रॉड ब्रैकेट ऑफ अनफेयर मीन्स। और इन सभी केसेस के बारे में जो है वो बोर्ड का बहुत ही क्लियर व्यू है कि जहाँ जहाँ भी कोई इस तरह की बात डिटेक्ट होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जहाँ पे डिवाइसेस पकड़े गए उनको हमने इमिडिएटली डिबार कर दिया, जहाँ पे फेक एडमिट कार्ड्स मिले हैं उनके बारे में भी मैं ये बता दूं कि उनके खिलाफ भी बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शन होगा, वो भी दैट कैन बी यू नो डिबारमेंट फॉर 3 years आर इवन मोर देन दैट। इट कैन वेरी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी 3 years, इट कैन बी 1 year, 2 years, 5 years, 7 years। सो वी विल टेक अ कॉल ऑन दैट इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज एंड दैट विल बी मेड पब्लिक ऑल्सो। अब मिस्टर जहांगीर, जो सवाल बच्चे पूछना चाहते हैं, रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए, ये जो क्लास 4 का जो टेम्पलेट है ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, इसमें क्योंकि बहुत से पैरामीटर्स ऐसे डाले गए हैं विच हैव टू बी गिवन वेटेज, लाइक कोई कैजुअल वर्कर है, कोई विडो है, डिवोर्सी है, किसी का नेटिव डिस्ट्रिक्ट है, कोई किसी के घर में कोई एम्प्लॉयड नहीं है, ये सारे पैरामीटर्स हैं। फिर आपके कार्डर्स अलग अलग हैं, सो यू नो मल्टीपल लिस्ट आर टू बी जनरेटेड, इसकी फिल्टरिंग डिफरेंट लेवल पे होनी है, फिर मल्टीपल लिस्ट बनानी है। तो ये एक बड़ी एक व्हाट आई एम सेइंग कि बड़ा कॉम्प्लेक्स एक टेम्पलेट है, द लॉजिक इज वेरी कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद फिर 3.25 लाख जो बच्चे अपियर हुए इसमें, 3.25 लाख से ज्यादा, 3,30,000 के करीब जो अपियर हुए, 80% के करीब अटेंडेंस रही, तो उनके आपको सब ओएमआर शीट्स की स्कैनिंग करनी है, वो भी एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है। सो सारी चीजों को देखते हुए वी विल अनाउंस द रिजल्ट्स एज पर आवर टाइमलाइंस एंड एज पर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ आवर कैंडिडेट्स। कोई एस्टिमेटेड टाइम पीरियड है इस टाइम पे? जल्दी होगा, आई विल नॉट से के इतनी टाइम में, बट इट विल बी वेरी सून, वी विल नॉट टेक मच टाइम, लेट मी अश्योर ऑल द यू नो व्यूअर्स। अब पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के भी जो डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन होना बाकी है, जो फाइनल एक कड़ी रह गई है उस रिक्रूटमेंट ड्राइव को मुकम्मल करने के लिए, वो कब तक हो जाएगा? देखिए, चूंकि पिछले 20-25 दिन से हमारे सारे ऑफिसर्स, ये जो इतना बड़ा इवेंट मैनेज करना होता है एग्जाम का, ये कोई आसान काम नहीं होता, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मेटिकुलस प्लानिंग, उसमें फ्रंट एंड पे भी काम करना पड़ता है और बैक एंड पे भी बहुत काम होता है। हमारे यहाँ पे कंट्रोलर एग्जामिनेशन और उनकी टीम जो है वो बहुत काम करती है 15-20 दिन पहले से, देन यू नो आवर ऑफिसर्स विजिट डिस्ट्रिक्ट्स टू सी वेदर द सेंटर्स आर बीइंग सेट अप इन द मैनर एज इज प्रिस्क्राइब्ड। फिर वहाँ पे डिफरेंट किस्म की यू नो ट्रेनिंग्स फॉर द इन्विजिलेटरी स्टाफ, उसको मॉनिटर करना होता है। सिमिलरली फिर लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन, बिकॉज यू नो इट रिक्वायर्स सीमलेस एंड फ्लॉलेस कोऑर्डिनेशन टू एग्जीक्यूट सच एन इवेंट, सच एन एक्सरसाइज, सच अ यू नो ह्यूज इवेंट इन अ फ्लॉलेस मैनर। तो हमारे अफसरों को कंटिन्यूसली बैठना पड़ता है इन द फील्ड, सो बिकॉज ऑफ दैट सेलेक्शन जो तैयार हो रही है उस पर थोड़ा सा बाधा आ गई थी। Now we are on the course, तो मे भी जल्दी ही हम उसको निकाल दें। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या टाइमलाइंस में क्या रखा है? ये मैं बता रहा हूँ कि इट विल बी आउट एनी टाइम, कभी भी हो सकता है। हमारे लोग काम कर रहे हैं, अवर डेडिकेटेड, वी हैव कॉन्स्टिट्यूटेड अ वेरी डेडिकेटेड टीम ऑफ सीनियर ऑफिसर्स, वो लगे हैं एंड होपफुली हम बच्चों को जो है वो जल्दी सिलेक्शन हैंडओवर कर देंगे। उसके अलावा चेयरमैन साहब, वो रिक्रूटमेंट जो शुरू हुई थी, एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ, लेकिन किसी